मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था। सुझाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे शॉर्ट्स को खूब शेयर करें। साथियों, जब अगली बार आपसे संवाद होगा तो फिर नई ऊर्जा, नई जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।